हेलो भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों, सभी को मेरा नमस्कार और सत श्री अकाल। भाइयों, आज काफ़ी दिन के बाद अभी ऐसा लगा कि मुझे एक वीडियो और बनानी चाहिए। और मैं वीडियो जब भी बनाता हूँ कि जब ज़रूरत ऐसी आ जाती है कि भाई मुझे अब आपके साथ में काफ़ी टाइम हो जाता है, तो आपके साथ जुड़ा भी रहना बहुत ज़रूरी होता है, तो बस मैंने एक कमरे की जोड़ी ये बनाई है। तो मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि हमारे लंदन में हमारे भाई साहब हैं, जो कि अपने एलेक्स जो भाले राव जी हैं, तो ये हमारे एलेक्स भाई के लिए मैंने तबले की जोड़ी बनाई है। और ये शी साहब का तबला है और 6 इंची में है, और ये कॉपर का डग्गा है, गणेश डग्गा है, लॉर्ड गणेश, ठीक है। ये देखिए, ये लॉर्ड गणेश का डग्गा है और कॉपर है, और ये 4 kg में डग्गा बना हुआ है। इसकी आप देख रहे हैं, ये एम्ब्रॉयडरी देखिए आप, ये देखिए, देख रहे हैं आप, ये देखिए, और इसका साउंड देखिए आप, बहुत अच्छा साउंड है, ये देखिए, ये और ये साउंड इसका, बस इसी तरह से मैं आप लोगों के तबले बना रहा हूँ। मुझे बहुत प्यार मिलता है आप लोगों का, काफ़ी आशीर्वाद है आप लोगों का, और काफ़ी दुआएं हैं कि मुझे मौका देते हैं। सारी दुनिया के लोग सभी मौका दे रहे हैं, ख़ास तौर से मैंने ये देखा कि यूके में ख़ास तौर से बहुत ज़्यादा लोग हैं जो प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, और मुझे मौका देते रहते हैं काम करने का। उन्हीं में से ही हमारे ये एलेक्स भाले राव जी हैं, जो कि यूके में हैं, तो मैंने उनके लिए तबले की जोड़ी सेट करी है। और बाकी तो आपको मैं रिंग वगैरह और टॉप वगैरह तो ये तो होते ही हैं नॉर्मली, और फाइबर का बॉक्स भी, एक फाइबर का बॉक्स जो है ना, इसमें से हम दे देंगे कोई सा भी कलर। तो जैसे भी आप हमारे एलेक्स भाई देख रहे हैं, चाहे तो वो ब्लू कलर ले लें या अपना ऑरेंज ले लें, या फिर उधर साइड में रखे हुए हैं ब्लैक कलर में भी, ये रेड कलर का भी है उधर की तरफ, तो ये हमारे पास कलर वाइज हैं तबले के। तो ये तो एक अलग चीज़ है, मैं फिर भी दे रहा हूँ उनको। तो बाकी तबले की जोड़ी के बारे में ज़रा बताना था, तो थोड़ा बहुत जो मैंने बनाया है ये मैं दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, ये हमारे एलेक्स भाई, आप भी देखें, आपके लिए जो बनाया है तबला, तो जैसा भी मैं बनाना जानता हूँ आप लोग मुझे मौका देते हैं, जो भी मुझसे थोड़ा बहुत आता है, ज़्यादा तो मैं इसके बारे में नहीं कहता, क्योंकि बड़ा बोल और बड़े शब्द, बड़े अल्फाज, ये अच्छे नहीं लगते, सूट नहीं करते। बस अच्छा काम होना चाहिए और पसंद आना चाहिए काम। जो आज आर्टिस्ट सारी दुनिया के, पूरे वर्ल्ड के जितने भी आर्टिस्ट हैं, अगर वो मेरे काम को पसंद कर रहे हैं और उसमें मुझे मौका दे रहे हैं, तो मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और इसी तरह से मैं चाहता हूँ कि आपका प्यार मेरे ऊपर रहे, आपका प्यार जो है ना मुझे ज़िंदा रखता है, मुझे ताकत देता है। तो ये मैं एलेक्स भाई के लिए तबला बनाया हूँ, ये देख लीजिए इसका नोट, तबले के बारे में मैंने आपको बताना था। ये देखिए तबला, बड़ा खूबसूरत तबला है, और इसके अंदर हमने ये रिंग दे रहे हैं जो इसके साथ में है, और इसमें एक फाइबर का बॉक्स निकाल के दिखा देना, तो इसका भी दिखा दो, रेड दिखा दो, रेड वाला। तो ये मैं आपको ये दिखाना, ये देखिए, और इसकी क्वालिटी जो है ना, वो रेजोनेंस और जो इसकी एक्यूरेसी है तबले की, ये जो चीज़ है, ये जो फिंगरों में सॉफ्टनेस ही आनी चाहिए, इजीली जो है ना इसका जो एक ग्रिपिंग है वो आसानी से बजना चाहिए। जैसे कि है ना, मुझे बजाना नहीं आता है, लेकिन थोड़ा सा ये ज़रूरी बन जाता है कि थोड़ा सा इसको ऐसे करके दिखाने से पता लग जाता है ना और धिन का। तो ये देखिए, ये देखिए, ये
ये देखिए, बस थोड़ा सा ये थोड़ा बता दिया है, मैं बनाता हूँ, मैं मैकेनिक हूँ, तबला बनाता हूँ मैं लेकिन बनाने का ही काम बस आता है, ये बजाने का काम तो आप लोगों का है, एक्सपर्ट लोगों का है। और बस कोशिश ये रहती है कि आपको क्या बना के देना चाहिए, कैसा बनना चाहिए, जो आपको पसंद आए और आप इसको अच्छे से बजा सकें, बस मेरी कोशिश रहती है। तो मैं एलेक्स भाई को ये फिर दिखाना चाहूँगा कि ये एलेक्स भाई, ये मैं आपको अपना फाइबर का बॉक्स आपके लिए ये दे रहा हूँ, ठीक है, ये देख लीजिए आप। और ये हमारा जो है ना बहुत अच्छा फाइबर बॉक्स है, बस इसके साथ में मैं ये आपको तबले का जो सेट है ये इसके अंदर रख के आपको भेजता हूँ, ठीक है। बस इतना ही मुझे दिखाना था, बस यही है, बस अच्छी बात है जी, नमस्कार जी।